दोस्तों चाहे कोई कितना भी मांगे ये चीजें कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। कौन सी है वो चीजें आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों हमारे शास्त्रों और पुराणों में कुछ काम करने की मनाही है, कुछ ऐसी चीजें बताई गई है जिनका कभी भी दान नहीं करना चाहिए। अगर इन्हें चीजों का दान किया जाए तो घर में गरीबी आती है, ये तो आप जानते ही होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति संसारिक मोह माया को छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है तो उसके पार्थिव शरीर के साथ उससे जुड़ी हुई वस्तुओं को दूर करने की परंपरा है, या तो इन वस्तुओं को दान दिया जाता है या फिर इन्हें नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप खुद से जुड़ी चीजों का दान जीते जी कर सकते हैं या नहीं? कुछ चीजें जिनका आप इस्तेमाल करते हैं उनका दान देना बहुत ही अब शगुन माना जाता है। आज हम ऐसी कुछ चीजों के बारे में बताएंगे जिसे आपको भूलकर भी किसी को नहीं देनी चाहिए। नंबर एक, घड़ी। दोस्तों घड़ी समय बताती है, अच्छा या बुरा ये आपकी परिस्थिति तय करती है। लेकिन घड़ी जिस भी व्यक्ति की है उस पर उसका पूरा असर पड़ता है। किसी और की घड़ी को कलाई पर बंधने से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। हाथ में ऐसी घड़ी बांधने से आर्थिक समस्याएं आ सकती है। यदि आप अपनी घड़ी किसी और को उधार देते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नंबर दो, पैसे उधार देना। शास्त्रों में धन को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है, वो इसलिए क्योंकि धन सभी दुष्कर्मों की उत्पत्ति है। ये किसी को अपना बनने नहीं देता। रिश्तों में धन का लेन देन नहीं करना चाहिए, धन आपसी प्रेम को खत्म कर देता है। कई घरों में धन ही मुख्य मुसीबत की जड़ मानी गई है। भाई भाई में झगड़ा, दोस्ती रिश्तेदारी में मतभेद इसी धन के कारण ही होता है। नंबर तीन, सगाई की अंगूठी। ये एक ऐसी चीज है जो हर लड़की अपने होने वाले प्रेमी या पति से चाहती है। प्यार का ये तोहफा उसके लिए सबसे खास होता है। लेकिन आपके बस में जितना हो उतना ही करें, चादर से ज्यादा पाँव फैलाना समझदारी नहीं बेवकूफी होती है। दोस्तों अपने प्रेमी या पति के लिए वही खरीदे जो आपकी लिमिट में हो। लिमिट के बाहर का खर्चा करना यानी उधारी आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना कीमती समय देने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपने मुझे इतना समय दिया, धन्यवाद।